दोस्तों, हर एक्टर मेन रोल, लीड रोल प्ले करना चाहता है फिल्म में, लेकिन हमेशा बड़ा रोल प्ले करना फायदेमंद नहीं होता है। कभी कभी छोटी फिल्म में बड़ा रोल प्ले करने से बेहतर होता है बड़ी फिल्म में आप एक छोटा रोल प्ले करें। और हमारे आज के जो एक्टर हैं, उन्होंने भी कुछ ऐसा ही किया। टाइगर जिंदा है जैसी बड़ी फिल्म में उन्होंने एक छोटा रोल प्ले किया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। और आज आपको पता है, फिल्म को तो बॉक्स ऑफिस सक्सेस मिला ही है, उनके रोल की, उनके काम की भी बड़ी तारीफ हो रही है। लेट्स वेलकम गैवी चहल। गैवी, वेलकम टू ETC बॉलीवुड बिजनेस। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जब आपको ये फिल्म ऑफर हुई, पंजाबी फिल्मों में आप लीड एक्टर हैं, तो आपके इसको ठेस नहीं पहुंची? मेरे जैसे लीड एक्टर को एक पाकिस्तानी सोल्जर बता दिया, पाकिस्तानी सीक्रेट एजेंट बता दिया। होता है सर, जैसे अभी आपने बोला कि इन अ बिग सेटअप इफ यू गेट अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर दैट मैटर्स, कि जंगल में मोर नाचा किसी ने देखे नहीं उसका फायदा नहीं। बट सर, जैसे कि मेरी पहली फिल्म थी एक था टाइगर, सो दिस इज द सेम कैरेक्टर। तो उस फिल्म में फ्रॉम ISI आई वॉज फीलिंग लाइक या देर इज जस्ट वन मैन फ्रॉम पाकिस्तान हु अपॉइंट जोया टू कैप्चर टाइगर। सो ओवर देयर इट वॉज अ मेन स्ट्रीम दैट कैरेक्टर। बट इसमें कहानी ये है कि दिस इज अ मिशन, एज एवरी वन नोज यू नोज दैट विच ISI एज वेल एज रॉ जी सर। सो उस हिसाब से सर सेटअप इतना बड़ा है, मेरा पिछला किरदार वो था, सो आई थिंक देर इजंट एनी चॉइस टू से नो, बिकॉज अली सर ही इज अ वंडरफुल पर्सन, अगेन विद भाई कैटरीना यशराज, व्हाट एल्स यू वांट। और बाकी जरूर इसके कैरेक्टर की लेंथ शॉर्ट थी, बट इम्पोर्टेंस जो थी, सो आई बिलीव माई सेल्फ दैट चलो भाई के पास तो सीन भर भर के थे, उसके बाद अगर कोई एक इम्पॉर्टेंट सीन था तो वो झंडा फैलाने वाला जो मैंने किया। सो वाइल परफॉर्मिंग दैट सीन वो एक गूस बम्स वाला सीन था, सो आई फील माई सेल्फ लकी दैट आई गॉट दैट सीन, और लोगों ने बहुत सराहा। इवन आई गॉट कॉल्स फ्रॉम पाकिस्तान। ओके, मुझे ये था कि देखिए नेगेटिव हर कोई बोलता है, और आप ज़्यादा जब ऐसे मुल्कों की, आपको पता है संबंध कैसे हैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान के, या कोई लोग ऐसा, और उसके बाद कोई बंदा ये बोले कि आप पाकिस्तानी हो के झंडा हिंदुस्तानी फहरा रहे हो, मुझे था कि कुछ हेट ईमेल्स या कुछ ऐसा मुझे डेफिनेट मिलेगा, बट टच वुड कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसकी शूटिंग के लिए आपको कितने दिन निकालने पड़े? सर आई शॉट आई गेस 70 समवेयर अराउंड 70 डेज, 52 डेज का स्केड्यूल था, अबू धाबी में ही था, उससे पहले भी दो थे स्केड्यूल, और अलेन में हमने किया था, लीवा ही आई थिंक द डेजर्ट वहाँ पे था, उससे पहले अपना यूरोप यहाँ पे ऑस्ट्रिया दैट वॉल्स वाला वो सीन था, वो वहाँ पे था, वो फिल्म की लेंथ ज़्यादा हो गई, सो दे हैव टू चॉप द फिल्म, सो उसमें कुछ दैट पार्ट आई स्पेंड आई थिंक 5-6 डेज ओवर देयर, सो ओवरऑल लाइक हाँ जी इट्स 70 डेज, इट्स वंडरफुल 70 डेज। एग्जैक्टली जी। और पंजाबी में क्या चल रहा है इन दिनों? सर पंजाबी में अभी मेरी एक फिल्म अभी ऑन द फ्लोर जाने वाली है, वन इज ऑन रिलीज। पंजाबी का मुझे मतलब अंदर से लाइक एज मैं पंजाबी, तो एक आप जो आपके रूट्स होती हैं आपकी, बिल्कुल मतलब एक करने की तमन्ना होती है, बट या नाउ द पंजाबी सिनेमा इज़ डेवलपिंग, सो आई एम जस्ट वेटिंग, आई वॉज वेटिंग बिकॉज नाउ तो आई एम डूइंग, आई वॉज वेटिंग फॉर अ ग्रेट स्क्रिप्ट, कि अभी हिंदी में काफ़ी अच्छा हो रहा है, सो आई एम गेटिंग वेरी गुड अदर फिल्म ऑल्सो, दो मेरी फिल्म और अभी एक स्टार्ट हो चुकी है, एक आने वाली है। सो आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दैट हिंदी फिल्म, दैट इज़ ये है इंडिया, अभी कांस फिल्म फेस्टिवल में भी गई थी, एंड फेस्टिवल ऑफ ग्लोब US से इसको बेस्ट डायरेक्टर बेस्ट फिल्म का भी अवार्ड मिला, वेरी कंटेंट बेस्ड फिल्म, काफ़ी बहुत अच्छी। तो कब रिलीज होगी? अभी सर ऑन प्रोड्यूसर्स, दे आर प्लानिंग इन मार्च समवेयर। सो और उसमें आप क्या भूमिका निभा रहे हैं? उसमें सर मैं लीड हूँ। अरे वाह, क्या बात। सो इट्स हाँ जी, आई एम प्लेइंग द लीड इन दैट, एंड मोहन अगाशे जी, मोहन जोशी, काफी मतलब अच्छे अच्छे सपोर्टिंग कास्ट। हाँ जी हाँ, मिस्टर लोम हर्ष इज द डायरेक्टर, ऑस्ट्रेलिया से हैं वो, उन्होंने अपनी मतलब ही इज सो अटैच्ड टू आवर कंट्री लाइक दिस सब्जेक्ट्स, उन्होंने अपनी नेशनलिटी
ऑस्ट्रेलिया की छोड़ दी. अच्छा. हाँ, वो छोड़ छाड़ के यहाँ पे आ गए. ही इज अ थ्री मास्टर्स, उन्होंने की हुई है. तो अपना एक बस कुछ इंसिडेंट्स उनके साथ वहाँ पे हुए, दैट इज हिज स्टोरी एक्चुअली. तो क्या भारतीयों के साथ कैसे कैसी चीजें. तो ये फिल्म की स्टोरी जो है वो उनके रियल लाइफ की स्टोरी से मिलती है काफी. हाँ जी, देयर आर फ्यू इंसिडेंट्स जो उन्होंने उनके साथ अपना रेसिज्म के या कोई चीज जैसे. तो मतलब जाहिर सी बात है आप वो प्ले कर रहे हैं. जी जी जी, मैं अच्छा, वो प्ले कर रहा हूं. उन्होंने सो दैट इज रियली आई मायसेल्फ चेंज्ड अ लॉट आफ्टर दैट मूवी. अच्छा. हाँ जी, अभी हम दोनों कभी साथ में जा रहे होते हैं तो एक बहुत नॉर्मल सी बात है कि हम कचरा फेंक देते हैं कुछ भी है, तो अभी वो मेरे को कर देते हैं ये है इंडिया, मैं उनको बोलता हूँ ये है इंडिया. सो लॉट्स ऑफ चेंजेस आर एक्चुअली काफ़ी अच्छी. हमारी टैगलाइन है कि आप बदलेंगे देश बदलेगा. ओके. सो हर एक जगह के ऊपर गवर्नमेंट नहीं आ सकती छोटी छोटी चीज़ों के लिए. सो इनिशिएटिव कहीं से तो लेना पड़ेगा. बिल्कुल. यही छोटी छोटी बातें हैं, अगर हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये चीज़ें अपना लें तो आई थिंक चेंजेस. और दूसरी फिल्म. दूसरी है सर मलाला, उनकी बायोपिक है. अच्छा. तो वो अभी कश्मीर में शूटिंग चल रही है, तो अभी आई सपोज टू गो. उसमें आप क्या रोल प्ले कर रहे हैं? उसमें सर अगेन आई एम प्लेइंग अ पाकिस्तानी. अच्छा. हाँ जी. सो लाइफ ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी पर्सन, तो क्या हालातों में कैसे घर से निकलना, वही एक के एक फौजी की क्या जिंदगी होती है. उसमें इंडिया के साथ कुछ भी नहीं है, सारी एवरी स्टोरी लाइक द होल स्टोरी इज फ्रॉम. यस यस. तो वहाँ के एक सिपाही की जिंदगी जो दिखाई गई है. तो टाइगर जिंदा है की वजह से आपको ये फिल्म मिली पाकिस्तानी रोल प्ले करने के लिए? एक था टाइगर. एक था टाइगर. यस यस सर. तो उसके बाद मुझे काफी, और इट्स अनदर वेरी इंटरेस्टिंग फैक्ट दैट पीपल थॉट दैट आई एम अ पाकिस्तानी. तो अभी सत श्री अकाल पाजी के साथ सलाम भाई जान भी हो गया. तो आई गॉट दिस द बिगेस्ट कॉम्प्लीमेंट, बिकॉज जो किरदार आप निभाए अगर आपकी तुलना उससे होने लगे तो दैट मींस यू आर सक्सेसफुल. कबीर सर ने भी बोला था आफ्टर एक था टाइगर के बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि ये पाकिस्तानी एक्टर कौन है, आपको कहाँ से मिला. सो इट्स अ लवली फीलिंग. इवन अभी भी पार्टी थी रिसेंटली सलमान भाई की. तो ही इंट्रोड्यूस्ड मी टू वन पर्सन के ही इज अबरार. तो नवदीप सिंह माय रियल नेम. तो उनके साथ जिनसे मिलाया, उनके साथ कोई और बंदे थे साथ में खड़े, कहते नवदीप सिंह यू आर सिंह. आई सेड यस आई एम सिंह. ओह, मैंने तो सोचा कि आप पाकिस्तानी हैं. मैंने बोला, फिर मैंने भाई को बोला, मैंने भाई देखिए कॉम्प्लीमेंट है मेरे किरदार के लिए. सो दैट गिव्स यू सेटिस्फेक्शन. नवदीप सिंह आपका नाम है, तो गावी चहल आपका फिल्मी नेम है? नो सर, अपने एक कच्चा नाम होता है, एक पक्का नाम होता है. छोटा नाम जिसको कच्चा बोल देते हैं घर पे. तो घर वालों ने मेरा नाम गैवी रखा था. मैंने बहुत बार पूछा कि इसका मतलब क्या होता है, मुझे भी नहीं पता गैवी का मतलब क्या है. तो वो फिल्म में कैसे आया, मतलब आपने नवदीप सिंह चहल नाम क्यों नहीं रखा? वैसे सर, क्योंकि घर पे भी किसी को अगर कोई वैसे बोल दे के, जैसे स्कूल में नवदीपक, एक्चुअली भाई कॉल भी नवदीप. हाँ जी, उन्होंने नवदीप, तो आई से नवदीप. सो कोई मुझे वैसे भी बोलते स्कूल वालों को था नवदीपक, कोई बोलते कि नवदीपक है, तो घर वाले भी एक दर नवदीप. अच्छा, गैवी. सो नवदीप गैवी ही सबके जुबान में चला. हाँ जी हाँ जी, नवदीप तो नो वन नोज इवन. अच्छा. तो वो तो सिर्फ डॉक्यूमेंट्स में, पासपोर्ट, बैंक जो भी है, तो वहाँ सर्टिफिकेट्स के ऊपर है. बट अदरवाइज एवरीवन लाइक गैवी. तो सर्टिफिकेट्स यानी पढ़ाई के सर्टिफिकेट्स या ड्रामेटिक्स के सर्टिफिकेट्स? सारे सर, पढ़ाई में आई एम मैकेनिकल इंजीनियर. अच्छा. हाँ जी हाँ, तो इस तरह मैकेनिकल इंजीनियरिंग से एक्टिंग की दुनिया में कैसे आए? सर, मैं हमेशा कहता हूँ कि आई बिलोंग टू अ जट सिख फैमिली. तो ये जो जट शब्द है ना सर, बहुत कमीना शब्द है ये. ये कमीना इसलिए कि मतलब थोड़ा अपना पंजाबी खुले वो ऐसा कह, मैं जट हूँ भाई, जमीन ज्यादा जो भी है. वी नेवर नो कि हमारा फ्यूचर में हमने करना क्या है, कोई लक्ष्य नहीं होता. जिस तरफ जैसे हो गया ठीक है, पढ़ना है तो इट्स अ टैग कि चलो. अभी जैसे मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड एजुकेशन रिलेटेड, तो ठीक है कि बच्चे भी पढ़े लिखे होने चाहिए. तो उसके लिए एक टैग के लिए मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग की. और कभी सोचा नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा. इस लाइन से अगर कुछ थोड़ा बहुत कोई वास्ता था, तो आई वॉज वेरी गुड इन टू भांगड़ा. तो कल्चरल एक्टिविटीज में आई वॉज द कैप्टन ऑफ फॉर नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर. अपना वही कॉलेज में जो अपने होते हैं सारे यूथ फेस्टिवल्स एंड ऑल, तो ये एक दो प्लेज मैंने किए थे.
तो शायद मुझे अब अगर मैं पीछे जाता हूँ तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं शुरुआत की थी जब पांचवी छठी कक्षा में थे तो जनगण मन गाते थे, जनगण में जो चार बंदे होते थे उसमें मैं भी था। अच्छा अच्छा, तो इफ आई कनेक्टेड द डॉट्स तो मुझे लगता है कि शायद कहीं ना कहीं से वहां पर बीज बो दिया गया था। हाँ जी हाँ, पंजाब में अगर आप अच्छे लंबे कुछ हो तो बोलते कि भाई मॉडलिंग कर ले, ठीक है जी कर लेते हैं। तो मिस्टर नॉर्थ इंडिया हुआ था, आई गॉट दैट टाइटल, तो वो मैंने जीता। तो उसके बाद एक जगह पे मुझे आई गॉट अ चांस, स्टोरी काफ़ी है मैं बता नहीं पाऊंगा, उसके पीछे म्यूजिक वीडियो पहला मुझे मिला। अच्छा, दैट वाज अ बिग हिट। तो वो घर पंजाबी म्यूजिक वीडियो, पंजाबी म्यूजिक वीडियो, वो घर वालों को झूठ बोला था मैंने कि वो भी मतलब सीधे साधे हैं, उनको पता था कि ये कुछ गलत नहीं करेगा। तो हम कहीं घूमने गए थे तो मैंने उनको बोला कि डैड वहाँ पे शूट हो रही थी, तो वो लड़के को कोई प्रॉब्लम हुई, वो बोले कि आप कर लोगे? तो मैंने बोला हाँ जी मैं कर लूँगा, क्योंकि वो बताना पड़ा, टीवी पे आना था। एग्जैक्टली, बट आफ्टर दैट म्यूजिक वीडियो इट वॉज अ सुपर हिट, देन आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स, तो काफ़ी अच्छा चल पड़ा। देन आई रियलाइज के आई शुड अडॉप्ट इट एज अ प्रोफेशन। घर वाले भी चलो दे आर हैप्पी, घर वाले राजी हो गए। हाँ जी हाँ, अच्छा वो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा हिट हो गया था। एंड यू डोंट बिलीव विद इन स्पैन ऑफ 3-4 months आई डिड ऑलमोस्ट 50-60 म्यूजिक वीडियोस। ओह माय गॉड, मतलब आपकी डेज डायरी तो एकदम फुल थी। जी 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 जी, काफ़ी अच्छा वो हुआ। देन मेरा दोस्त थे यहाँ पे नवतेज, अपना ही इज इनटू टीवी एंड ऑल, तो ही सेड दैट इफ यू रियली वांट टू गो तो यू कैन कम टू मुंबई। अच्छा, तो बस फिर मुंबई आ गए। हाँ जी, then I started, तो फिर स्लोली स्लोली तो स्ट्रगल करनी पड़ी या आसानी से? सर मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल ये था, पहले तो मुझे बड़ी जल्दी आई थिंक विद इन अ वीक आई गॉट अ कॉल फ्रॉम बालाजी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, बट वो पूरा नहीं कर पाए बिकॉज मुझे पंजाबी फिल्म मिल गई थी ड्यूरिंग दैट। मेरे लिए मुश्किल ये था कि पंजाब में एक चलो एक नाम बना लिया था, क्योंकि वहाँ पे जितना था मतलब यू डोंट हैव दैट वास्ट अपना कंपटीशन या बड़ा कोई वो नहीं है, तो ओके आई वाज लाइक पहचानते थे सभी, तो अच्छी रिस्पेक्ट मिलती थी, एक वेल सेटल्ड जो एक्टर होता है। तो यहाँ पे आके इफ आई हैव टू गो टू ऑडिशन टू स्टैंड इन द क्यू, आई डोंट माइंड टू लाइक डू ऑल दीज थिंग्स, बट जब आप एक कहते हैं ना कि मर्सिडीज चलाने के बाद अगर आपको स्कूटर पे या कुछ उस पे जाना पड़े तो थोड़ा बुरा लगता है, तो थोड़ा सा वो था। दैट वाज द ओनली टफ पार्ट व्हिच आई फेस्ड, बाकी लगे रहे, काम मिलता गया धीरे धीरे। आई गॉट वन कलर्स लॉन्च्ड, आई डिड द शो मोहे रंग दे इन द लीड, देन आई वॉन फियर फैक्टर, तो उसके बाद फिर लकीली आई गॉट दिस फिल्म एक था टाइगर, दैट वाज अ वंडरफुल स्टोरी। मतलब एक बार मैं बैठा उसके ऊपर बहुत बड़ा एड आया हुआ था एक था टाइगर का, मैंने बोला यार कैसे फिल्में ऐसे यार बन जाती हैं, कास्टिंग कहाँ होती है पता ही नहीं चलता, क्योंकि उसमें लिखा था कि ये इतने बड़े लेवल के ऊपर इतनी कंट्रीज में शूट की जाएगी, मैंने बोला यार ऐसे ही मिल जाएगा भाई कोई तो मजा है। आपने सोचा हो गया रैंडमली सर, तो चलो इस बात को हो गए 2 महीने, शूटिंग बिगिंस कुछ ऐसा कुछ आया था। तो फिर मुझे कबीर सर मिले एक क्लब में, तो मैंने बोला कि यार बात करूं इनसे ना करूं, मैं बहुत कम होता है, मुझे ये है कि आई यूज टू बी एट होम कि जो मेरे मुकद्दर में नसीब में लिखा है भगवान दे देंगे, मैं मतलब बहुत कम मिला हूं लोगों से, जो कुछ बस ऐसे ही मिल गया। तो बस मैंने बोला कि यार बात करूं कि ना करूं, फिर मैंने छोड़ दिया कि चल होगा तो मिल जाएगा, उनसे बात नहीं की। तो आधा घंटा के बाद आई केम फ्रॉम क्लब, तो मैं जाने लगा हूँ तो लिफ्ट में कबीर सर वाज़ देयर, तो आपने सोचा अब तो कर ही लेनी चाहिए। वो भी सर एक फ्लोर चला गया, मैंने बात नहीं की, तो मतलब आई से हेलो हो गई थी, सच अ वंडरफुल पर्सन जब आप देखते हो तो प्लेजेंट फेस एंड एवरीथिंग। फिर वो माहौल ही थोड़ा सा ऐसा था कि मुझे उनसे देख के बड़ा वो एक पॉजिटिव वो हुआ, तो मैंने बात कर ली। मैंने बोला सर कि आई एम एन एक्टर, व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ कास्टिंग, आई डोंट नो कि आपका ये फिल्म ऐसे है, तो उन्होंने एक ही बोला कहते कि दिस इज माय ईमेल एड्रेस, सेंड मी योर पिक्चर्स। अच्छा, आई सेंड माय पिक्चर्स, आई गॉट अ कॉल फॉर द ऑडिशन, तो ऑडिशन हुआ, तो देन नेक्स्ट डे कबीर सर ने खुद ऑडिशन किया, तो देन ही सेड दैट आदि सर से मीटिंग है, तो देन वी लेट यू नो आफ्टर वन डे, ही सेड दैट
कंग्रेचुलेशंस, यू आर इन, आप आके अभी अपने पैसे की बात कर लो और स्क्रिप्ट. तो ऐसे आई गॉट दैट फिल्म. तो पैसे की बात की या आपने उन पर ही छोड़ दिया? अरे वो सर की पैसे की बात की, मतलब मनी वॉज नॉट प्रायोरिटी टू मी, बट दैट इज अ प्रोटोकॉल के चलो एक जो प्रोडक्शन उनसे मिलना तो था ही, टू साइन ऑल द एग्रीमेंट्स एंड ऑल, बट उन्होंने मतलब पैसे अच्छे दे दिए, बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी. सो इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस. सो नाउ होप आगे और अच्छे होता जाए और भी चलता रहे. एग्जैक्टली. फिल्में तो कर ही रहे हैं आप लीड रोल में भी, मगर मेरे ख्याल से ये तो आपने सोच ही लिया होगा कि यशराज फिल्म्स की फिल्म में ज़रूरी नहीं लीड रोल, कोई भी अच्छा रोल मिले मना तो नहीं करूँगा. नहीं नहीं बिल्कुल सर, कभी भी मुझे लगता है किसी भी एक्टर को, क्योंकि जैसे आपने भी पहले बोला लीड, जैसे अभी मेरी ये फिल्म है मान लीजिए, वी डोंट नो कि इट्स अ वेरी नाइस कंटेंट, बट इसका रिलीज कितना बड़ा होगा वी डोंट नो. बिल्कुल बिल्कुल. बहुत अच्छी अच्छी सर फिल्म्स आई हैं. बिल्कुल. और कभी कभी पता ही नहीं चलता है लोगों को कि रिलीज होके चली गई. तो कंटेंट हाँ जी, कड़वी हवा वाज देयर, पूर्णा वाज देयर, बुधिया वाज देयर, लाइक सो मेनी गुड फिल्म्स, लाइक दे आर हैविंग गुड कंटेंट. ये है इंडिया, इफ इफ आई टॉक अबाउट माई फिल्म, बट अगर ये मतलब पहुंचे ही नहीं उस लेवल तक, तो किसको क्या पता चलेगा लीड किया कि क्या किया. बट ऐसी फिल्मों में इफ यू प्लेड इवन वन सीन, बट अगर वो सीन आपका बहुत अच्छा है कि थिएटर से निकले बंदा याद रखेगा कि यार वो था, तो आई थिंक वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है. सही बात है. बाकी ये है कि जब आप लीड कर लेते हो सर, तो उसके बाद कैरेक्टर रियली टफ होता है करना. तो ये है कि मेरे साथ वो काफी हुआ, बट अली सर मेक्स मी श्योर, मेड मी श्योर दैट ही रिप्रेजेंटेड माई कैरेक्टर इन सच अ गुड वे. तो कभी ऐसा उन्होंने महसूस नहीं होने दिया, लेकिन मुझे अंदर जब मैं कर रहा था शूट, तो मुझे ये होता था यार, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर्स आ गए, देवर रॉ एजेंट्स काफ़ी थे, तो वी वर 5-6 पीपल, तो उसमें मैं अकेला ही था फ्रॉम पाकिस्तान, और लव स्टोरी थी तो मेरी तरफ से मतलब वो चीज़ चलती थी. नाउ इट्स अ मिशन विच इज लीड बाई सलमान भाई, कैटरीना हाँ जी, अदर साइड बाय हर. तो बाकी हर एक का अपना अपना कैरेक्टर है. Correct. तो वो आपका कितना लग जाता है, क्या क्या सीन मिलते हैं, तो वही मैंने बोला कि मुझे फ्लैग वाला मिल गया सीन. तो अगर हम सोचते रहे कि और कौन सा इंपॉर्टेंट सीन होगा, तो अगर झट से किसी से पूछे यार कि आपको कोई टाइगर का सीन याद है, yes. तो बंदा आई थिंक बोल देता कि यार एक फ्लैग वाला. Bilkul. तो उस हिसाब से सर अच्छा है, बहुत अच्छा है. आप ऐसे बढ़िया काम करते रहे, लोगों का मनोरंजन करते रहे, इसी दुआ के साथ हम आपको जाने देंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू जी, थैंक यू एवरीवन. तो दोस्तों ये थे अबरार यानी कि गैबी चहल यानी कि नवदीपक सिंह चहल. अलग अलग नाम है लेकिन आदमी एक ही. बहुत बेहतरीन एक्टर, बहुत अच्छे एक्टर, एंड यू विल सी मोर ऑफ हिम इन हिंदी फिल्म्स एंड ऑफ कोर्स पंजाबी फिल्म्स. दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, हमारी मुलाकात कल फिर होगी ईटीसी बॉलीवुड बिजनेस के एक और मजेदार एक्साइटिंग एपिसोड में. इन द मीन टाइम आपके कोई सुझाव, कोई सजेशंस हो तो प्लीज डू राइट इन टू अस एट bollywoodbusiness@znetwork.com. एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटिंग टू द वर्ल्ड ऑफ सिनेमा, तो उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए बीबी स्पेस, छोड़िए टाइप कीजिए अपना पूरा सवाल, स्पेस छोड़कर अपना नाम टाइप करके भेजिए 575751. You can follow us on Twitter @ETC Bollywood. This is Komal Nahata, bidding you goodbye.